नमस्कार। आज बजट सत्र का पहला दिन संयुक्त संसदीय बैठक में राष्ट्र की महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा जी ने अपना भाषण दिया। भाषण सुनते वक्त हमें ऐसा महसूस हुआ कि भारत की जनता जिन तकलीफों से जूझ रही थी या जूझ रही है और जिसको हमने विपक्ष के रूप में जिन विषयों को चिन्हित किया, वो विषय चाहे महंगाई के हों, चाहे भ्रष्टाचार के, चाहे काले धन के, चाहे आंतरिक सुरक्षा के, चाहे वितरण प्रणाली, खाद्य वितरण प्रणाली के हों, वो सारे विषय पैराग्राफ बाय पैराग्राफ उन्होंने अपने भाषण में पढ़े और पढ़कर सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग किया कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, माय गवर्नमेंट इज कमिटेड। कमिटेड फॉर व्हाट और किस तरह से इसका निस्तार हो, इसे निराकरण हो, किस तरह से लोगों को राहत मिले, उसकी कोई योजना का उल्लेख नहीं किया। मैं समझता हूं हम और भारतीय लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि ऐसी अवस्था में जब एक सरकार में इन चीजों की कमी हो, आदर्श की कमी, पारदर्शिता की कमी और एक तरफ महंगाई भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार हो, तो कोई रास्ता या कोई कठोर कदम उठाने की बात वो कहेंगी, पर पूरे भाषण में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं हुआ। इससे हम काफी निराश हुए। इस भाषण के बाद दोनों सदनों की बैठक हुई, जहां ये ले हुआ और ओबिचुरीज थी, और उसके बाद बीएसई की बैठक हुई। बीएसई की बैठक में, दोनों सदनों की बीएसई की बैठक में प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 मुद्दे जो वो चर्चा चाहते हैं उसके बारे में चर्चा की। उसमें सबसे पहले महंगाई का मुद्दा, दूसरा जेपीसी को छोड़कर, जेपीसी की 2G स्कैम के जेपीसी को छोड़कर दूसरे जो भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे हैं उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें आदर्श घोटाला, उसमें आर्मी में डिफेंस फोर्सेस के लिए राशन घोटाला, उसमें एस बैंड घोटाला, की भी चर्चा करने की मांग की गई। उसके साथ काला धन जो देश में और विदेशों के बैंकों में लोगों ने कर चोरी करके या गलत तरीके से कमाकर जमा किया है, उसके बारे में भी चर्चा करने की बात कही। फिर नक्सलवाद की दिन पर दिन बढ़ती हुई गतिविधियों और उस पर केंद्र सरकार की भूमिका, उसके बाद चाइनीज इंट्रूशन,
चाइना द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर जो अतिक्रमण हुआ उसके बारे में चर्चा और सीबीआई की कार्यशैली पर चर्चा, ये चर्चाएं की मांग की गई। और अल्पकालीन चर्चा या कॉलिंग अटेंशन के माध्यम से श्रीलंका के फिशर्समैन, श्रीलंका द्वारा उनको प्रताड़ित करना और उनको गिरफ्तार करना, उनको गोली से मारना, उसके बारे में चर्चा। सबरीमला में जो स्टैम्पेड हुआ, ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी धार्मिक अनुष्ठान जहां जहां होते हैं, इसके पहले तमिलनाडु में ऐसी घटना घटी थी, उसके पहले हरिद्वार में घटी थी, तो ऐसी व्यवस्थाओं में किस तरह की व्यवस्था लेने की जरूरत है उस पर चर्चा। और तिरंगा यात्रा जब जम्मू कश्मीर पहुंची तो उनको जिस तरह से डील किया गया जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा, जो राष्ट्रवादी युवक युवतियां सारे देश से वहां पहुंचकर लाल चौक पर तिरंगा फहराना चाहते थे, उनके साथ जैसा व्यवहार किया गया उसके बारे में भी चर्चा चाहते हैं। उम्मीद की जा रही है कि कल जेपीसी की घोषणा कर दी जाएगी और उसके बाद सदन की कार्रवाई दोनों सदनों में सुचारू रूप से चल सकेगी। उसके बाद कल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही राष्ट्रपति अभिभाषण पर थैंक्स मोशन की चर्चा शुरू होगी। 25 तारीख को रेलवे बजट आएगा और 25 तारीख को ही इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आएगी। 28 तारीख को जनरल बजट आएगा, उन चीजों के लिए भी, उनकी चर्चाओं के लिए भी समय का जो आवंटन करना था वो किया गया, टाइम अलॉट किया गया।